हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसमें अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन। इट कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। तो अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे, यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम ऊपर देख लेते हैं, यूग्लिना है या पैरामिशियम है, ऑल दीज आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म्स में वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, फूड का डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म्स की, तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म्स हैव सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फंक्शंस। A group of cells performing a specialized function forms a tissue. For example, nervous tissue. A group of tissue performing a specific function forms a organ. For example, a kidney. And a number of such organs works together to form a organ system. For example, digestive system. तो जो हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन, दैट इज डाइजेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारा फंक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सिस्टम्स करते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने कैसे हैं। तो दैट इज ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे होता है, सबसे पहले हम पढ़े हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेल। तो सेल बना है, सेल जब एक तरीके का सेल, सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स विच कैन परफॉर्म सेम फंक्शन, दे कंबाइन टुगेदर। कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनका फंक्शन सेम होगा बॉडी में, वो सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाएंगे एंड दैट दे विल फॉर्म टिश्यू, एज फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का फंक्शन हमारे बॉडी में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मीन्स हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और नर्वस टिश्यू का जो सेल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का फंक्शन है कि हमारे बॉडी के मैसेज को एक पॉइंट ऑफ लोकेशन से दूसरे पॉइंट ऑफ लोकेशन पे लेके जाए। तो वो न्यूरॉन सेल्स हैं और ढेर सारे न्यूरॉन्स जुड़ेंगे आपस में, तो दे फॉर्म्स द नर्वस टिश्यू। नाउ अब टिश्यू जब जुड़ेंगे, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स ऑर्गन। तो ये जब टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे, एज फॉर एग्जाम्पल किडनी। तो किडनी इज अ ऑर्गन, लीवर इज अ ऑर्गन। तो लाइक वाइज हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो टिश्यूज से बने हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज जो एक जैसा फंक्शन करते हैं वो सारे टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं एक साथ और वो बनाते हैं हमारे बॉडी के लिए ऑर्गन्स। अ नंबर ऑफ सच ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। अब ऐसे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम है बॉडी में, वो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बनाते हैं बॉडी में ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हम अलग अलग ऑर्गन्स का अगर नाम लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टंग, देन वी आर हैविंग द फूड पाइप, देन वी आर हैविंग द स्टमक, देन इंटेस्टाइन। तो ये सभी अलग अलग ऑर्गन हैं, लेकिन सभी जुड़ जाते हैं क्योंकि सबका फंक्शन एक ही है, ऑल हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड लेटर ऑन दे फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, और जब सारा सिस्टम एक साथ मिल जाता है तो जाके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ आप देख लीजिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले सेल है, सेल जुड़ते हैं आपस में तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जुड़ेंगे तो बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन्स जुड़ेंगे आपस में तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाएंगे तो दैट विल मेक ऑर्गेनिज्म। ऑल द सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, हाउएवर दे कैन अपीयर डिफरेंट
इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल द ब्लड एंड द लिवर सेल्स, द रूट ऑफ लीव सेल्स एंड हैव डिफरेंट अपीयरेंस. तो जो सेल्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है. जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल में कि जो ब्लड है और लीवर सेल्स हैं वो अलग अलग उनका डिफरेंट लोकेशन है और डिफरेंट अपीयरेंस है. उसी तरह अगर प्लांट में देखेंगे तो लीव सेल्स का अलग अपीयरेंस है और रूट सेल्स का अलग अपीयरेंस है. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स अ लॉट.